नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है मिश्रित दाल का चीला या मिश्रित दाल का डोसा। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। उड़द की दाल धुली हुई 1/4 कप, साबुत मूंग की दाल 1/4 कप, चना दाल 1/4 कप, तुअर दाल या जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं 1/4 कप, अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा मोटा मोटा कटा हुआ, साबुत जीरा 1/2 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 1 या 2 स्वादानुसार, नमक 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार, और घी या तेल डोसा या चीले को सेकने के लिए करीब 6 चम्मच चाहिए होता है। अब हम इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले सारी दाल को अच्छे से धो लीजिए और उनको करीब 4 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद पानी से निकाल के अदरक मिर्च जीरा नमक डाल के 1/2 कप पानी डाल के इसको पीस लीजिए। यदि आपको कुरकुरे डोसा पसंद है तो पानी कम डालिए, और अगर आपको मुलायम पसंद है तो पीसते समय ही पानी और डाल दीजिए। अब डोसे के तवे को हल्का सा चिकना कर लीजिए और उसको मध्यम आंच पे थोड़ा गर्म होने दीजिए। जब गर्म हो जाए तो 1/3 या 3/4 कलछी मिश्रण जो है आप उसको इसके बीच में डालिए और तुरंत कलछी की उल्टी तरफ से इसको पतला पतला चारों तरफ फैला लीजिए। तुरंत फैलाना है। इसके बाद इसको मध्यम आंच पे पकाइए और चारों तरफ हल्का सा तेल या घी जो भी आप ले रहे हैं उसको डाल दीजिए। जब ये नीचे से सिकने लगेगा तो ये किनारे अपने आप आराम से उठने लगेंगे, तो आप किनारों से उठा के इसको पलट दीजिए और दूसरी तरफ से हल्के हल्के भूरे चकत्ते होने तक, भूरे भूरे निशान बन जाने तक इसको सेकिए। जब दूसरी तरफ से हल्का सिक जाएगा तो हम इसको फिर से पलट देंगे और कुरकुरा होने तक, यदि कुरकुरा पसंद है तो कुरकुरा होने तक इसको इस तरफ से सेकेंगे। उसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्रकार हम अगला डोसा बना लेंगे और सारे मिश्रण के डोसे इसी प्रकार बना लेंगे। इस डोसे को आप चटनी या अचार या किसी भी सब्जी के साथ परोस सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक डोसा है, चीला है। इसमें चावल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो अगर हाई प्रोटीन डाइट अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया व्यंजन है। बच्चों के लिए ये बहुत ही पौष्टिक है। यदि आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।